उनके दौर में पाकिस्तान माशी तौर पर काफ़ी मुस्तकम था, पाकिस्तान में रोज़गार था, गरीब अवाम जो है वो बरसर रोज़गार थी और ज़रूरी अशिया जो हैं ज़रूरत अशिया वो तमाम सस्ती थी। तो तमाम तर जो है दारोमदार जो है उस टाइम पाकिस्तान का जो है वो माशी तौर पर पाकिस्तान काफ़ी मुस्तकम था। वो 8 साढ़े 8 साल हुकूमत करके गया है, उसने किसी चीज़ को ऊपर नीचे नहीं किया। तो आजकल की हुकूमतें हैं वो आपको पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, ये तो फिर आपकी मर्ज़ी है ना, जो चाहें ये जिस तरह करें वो कर सकते हैं। लेकिन उसने हुकूमत बहुत अच्छी की है, अल्लाह ताला उसको तो खैर जजा और खबर से जो अजाब से बचाई, मैं तो यही कहूँगा बस। मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल इसलिए थे कि उन्होंने कई दबी हुई चीज़ों को खोला था, एक्सपेंड किया था, और वो एनलाइटनमेंट जो उनकी पॉलिसी थी और लिबरलिज्म की जो पॉलिसी थी, वाह 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 वाह, व्हाट ए ग्रेट मैन डाइज विद मुशर्रफ, आई मोर्न हिज डेथ। मुशर्रफ़ के इंतकाल पे हम दिल की गहराई से कराची की ताजिर बरादरी जो है उसके ऊपर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करती है, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ जो है उनके रहते हमारे मुल्क ने बेपनाह तरक्की और कामरानी की तरफ गामजन रहा हमारा मुल्क, और बहुत सी ऐसी अचीवमेंट मौजूद हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के पास, जैसे सानिया कारगिल, उसके अलावा भी बहुत से सानिये थे जो जिसको कहते हैं कि एक कौमी लीडर की एक जो जिम्मेदारी होती है, उन्होंने अपनी रहती ज़िंदगी के अंदर अपने इकतदार के अंदर जो है वो तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी असलूबी उन्होंने वो किया इसको।